हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग देख रहे हैं हमारी ज्योग्राफी की क्लास, और ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे थे हमारा प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी। स्टार्ट करते हैं। कल कुछ अधूरा रह गया था, हम लोगों ने ओशन ओशन इंटरैक्शन को नहीं देखा था, कुछ और भी कंसेप्ट को एक्चुअली डिस्कस करना था, इस वजह से हम लोगों ने उसको स्किप किया था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पुरानी क्लास के डिस्कशन को फटाफट। कोई डाउट हुआ होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन ये हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर अपने हम तक रीच आउट करने के लिए। बाकी ये कुछ कोर्सेज भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, और बाकी टेस्ट सीरीज भी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ था अपने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, जहां पर हम लोग काफी कुछ डिस्कशन कर रखे थे। मेजर प्लेट के बारे में देखा था, फिर माइनर प्लेट के बारे में देखा था, फिर हम लोगों ने फोटोग्राफ देखी थी। फोटो के बाद हम लोगों ने अलग अलग तरीके की बाउंड्री, आपस में जो कोलिजन हो रही थी, जो भी बाउंड्री इंटरैक्शंस हो रही थी उसके बारे में देखा था, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में देखा था, फिर कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में हम लोगों ने देखा था कैसे इंटरैक्शन हो रहा है। इंटरैक्शन में हम लोगों ने ओशन ओशन के बारे में डिस्कस नहीं किया था, और हम लोगों ने बाकी जो कॉन्टिनेंट है या ओशन कॉन्टिनेंट है उसके डिस्कशन को हम लोगों ने कर लिया था। बाकी फोटोग्राफ वगैरह देखी हुई थी, तो ये सब डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास तक में कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा आज का जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा ओशन ओशन इंटरैक्शन के बारे में। लेकिन इस ओशन ओशन इंटरैक्शन को जानने से पहले अगेन आपको एक कंसेप्ट जानना होता है जिसको बोला था बोवेंस रिएक्शन। फटाफट देखते हैं बोवेंस रिएक्शन है क्या, फिर उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी जो ओशन ओशन इंटरैक्शन है। फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, बोवेंस रिएक्शन का मतलब ये है कि देखिए, सपोज कोई एक मिनरल है, तो एक हमारे पास अगर कोई मिनरल होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। कोई मिनरल है, मिनरल हमारा जो होगा वो ऐसा तो है नहीं केवल और केवल आयरन का बना होगा, या केवल और केवल सिलिका का बना होगा, या केवल और केवल कैल्शियम या मैग्नीशियम, ये क्या होगा, कई सारी चीजों से मिलके बना होगा। जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सल्फेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर मान लेते हैं लाइम स्टोन का है, तो CaCO3.2H2O इस तरीके से आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या होती है, इस तरीके का फॉर्मूला जब भी आप देखेंगे तो यहां पर मल्टीपल चीजें हैं, जैसे एक तो कैल्शियम है, फिर कार्बोनेट आयरन है, ये प्लस टू होता है, ये माइनस टू होता है, बाकी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है इसके साथ। तो ये तो बहुत ही छोटी सी चीज हम लोगों ने देखा। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो भी मिनरल पाए जा रहे होते हैं, वो सारे मिनरल ऑब्वियस सी बात है कई सारी चीजों से मिलकर बने होंगे। हम मान लेते हैं कि चार मटेरियल है, कोई ए है, बी है, सी है और डी है, इन चार चीजों से मिलकर बना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ना, तीन चीजें हैं, कैल्शियम है, कार्बोनेट है और हाइड्रोक्साइड है, या फिर कह लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल है। सिमिलरली हम लोग मान लेते हैं कि चार मटेरियल ए बी सी डी इन चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। इन चार चीजों में अगर परसेंटेज बात करें, मान लेते हैं कि ए का परसेंटेज 20% है, बी का परसेंटेज 30% है, सी का परसेंटेज 40% है, और ये हो जाएगा 10% डी। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरीके से मटेरियल आ गया। अब देखिए, मान लीजिए छोटा सा और एग्जांपल यहां पर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, इसको जब आप हीट करेंगे, ये जो डेल्टा साइन लगा होता है इसका मतलब होता है हीट करना। जब आप हीट करेंगे तो कैल्शियम प्लस टू अपने कैल्शियम प्लस टू में ही रहेगा, कार्बोनेट माइनस टू जो है वो कार्बोनेट माइनस टू ही में रहेगा, या अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अपना अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अलग हो जाएगा। यहां पर ये प्लस फोर आ जाएगा और ये हमारा माइनस टू होता है, इस तरीके से होता है। हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगी, एच प्लस में टूट जाएगी और ओ एच माइनस में टूट जाएगी। तो अल्टीमेटली जब आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिल गया, एक कैल्शियम आयन मिल गया, कार्बन आयन मिल गया, ऑक्साइड मिल गया, और साथ में हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन मिल गया। आयोनाइजेशन के बाद हमें ये सारे के सारे मटेरियल मिल जा रहे होते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं इस मटेरियल को, इस कंपाउंड को अगर मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, इससे होगा क्या, अच्छा यहां पर एक और चीज, इसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल से अलग अलग है, बहुत ज्यादा हीट किया मैंने तो ये अल्टीमेटली ऑक्साइड अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें मटेरियल मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी जब आप हीट करेंगे तो हीट करने में सबका अपना अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। मान लेते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री है, सी वाले का 60 डिग्री है और डी वाले का 70 डिग्री है। जब हमने हीट किया और 100 डिग्री हमने टेम्परेचर दिया हुआ है,
टेम्परेचर दिया 100 डिग्री, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुरंत मैंने 100 ऑन किया और ये एबीसीडी पिघल गया. इट विल टेक सम टाइम, टाइम लेगा धीरे धीरे. 0 डिग्री से मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, 25 डिग्री से 100 डिग्री अटेन करेगा, 25 से फिर 26 होगा, फिर 28 होगा, फिर 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 70 होगा, फिर जाकर के 100 होगा. तो सबसे पहले यहां पर मान लेते हैं 25 डिग्री पे हमारा जो मटेरियल है वो एबीसीडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है. जब ये 26 डिग्री आएगा सब में मेल्टिंग होना धीरे धीरे शुरू होगी, लेकिन अभी मेल्ट नहीं होगा क्योंकि किसी का भी टेम्परेचर अटेन नहीं हुआ है. जैसे ही 40 डिग्री आएगा वैसे ही क्या ए मेल्ट करना शुरू कर जाएगा. अब होगा क्या कि ए बी सी डी में से ए की मेल्टिंग हुई स्टार्ट हो चुकी है और बी सी डी अपना वैसे ही जैसे बना हुआ है ज्यों का त्यों बना रहेगा, लेकिन ए अब पिघलना शुरू कर देगा. जैसे ही हम लोग आगे के टेम्परेचर में बढ़ेंगे ए का कंपोजिशन जो 20% था वो घटना शुरू हो जाएगा. और सपोज ए कन्वर्टेबल है अगर मान लेते हैं कि किसी दूसरे कंपाउंड में, तो ए अब कम होना शुरू हो जाएगा, बी सी डी ई में आ जाएगा. इसी तरीके से जब ये आगे और मेल्ट करेगा तो एक समय आएगा जब ए बी सी डी सारे ही मेल्ट कर जाएंगे और अल्टीमेटली एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका होगा. इसलिए नहीं कि नेचर चेंज हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि हीट हो गया और हीट करने के कारण इसका जो एक कंपोजिशन है वो कंपोजिशन बेसिकली चेंज हो गया है. और कंपोजिशन चेंज होने के पीछे रीजन एक ही है, हीटिंग, हीट करने पे किया गया है. इस पूरे के पूरे सिस्टम को बोला जाता है बोवेंस रिएक्शन. जब एक केमिकल फॉर्मूला या कह लीजिए एक केमिकल कंपाउंड दूसरे किसी केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हीटिंग, इसी को बोलते हैं हम लोग बोवेंस रिएक्शन. तो बोवेंस हमने खोजा था, उन्हीं के नाम पर बोवेंस रिएक्शन पड़ गई थी. इस रिएक्शन का हम लोग यूज क्या करेंगे, इस रिएक्शन का हम लोग यूज करेंगे, अब जरा इसको नोट डाउन कर लिए आप लोग, अब जरा इरेज करते हैं इसको. इस रिएक्शन का हम लोग यूज ये करेंगे कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर होता है, इस इंटीरियर में बेसिकली चार टाइप के मटेरियल पाए जाते हैं, फोर मेन टाइप ऑफ मटेरियल. कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, मटेरियल की नहीं, कैटेगरी ऑफ मटेरियल चार होते हैं. एक होता है जिसको बोला जाता है ग्रेनाइट, दूसरी होती है जिसको बोला जाता है एंडेसाइट, तीसरी होती है जिसको बोला जाता है बसाल्ट, और चौथी होती है जिसको बोला जाता है पेरिडोटाइट. पेरिडोटाइट क्लियर. इस पेरिडोटाइट में सबसे ज्यादा कह लीजिए जो डेंस होता है वो सबसे ज्यादा डेंस होता है पेरिडोटाइट से. दिस इज हाईली डेंस, बहुत ज्यादा डेंस होती है, और उसी तरीके से ये डेंसिटी ऊपर की ओर में घटती जाती है. यहां पर जब ग्रेनाइट को आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाती है बसाल्ट में, सिमिलरली सॉरी एंडेसाइट में. जब इसको हीट करेंगे कन्वर्ट हो जाएगी बसाल्ट में, और जब इसको हीट करेंगे तो बदल जाएगी पेरिडोटाइट में. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब किसी भी कंपाउंड में, मान लेते हैं कोई भी कंपाउंड हमारी एबीसीडी पड़ी हुई है हमारे पास, इस एबीसीडी को जब हीट करना हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले ग्रेनाइट जो होगी इसमें की वो कन्वर्ट होना शुरू कर देगी एंडेसाइट वगैरह में, एंडेसाइट में. यानी इसको जब कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट में बदल जाएगा. ये कूलिंग है और ये हीटिंग है. सिमिलरली हीटिंग करेंगे तो आपका बदल जाएगा ये बसाल्ट में, और उसी तरीके से जब कूलिंग करेंगे तो एंडेसाइट में. सिमिलरली हीट किया हमने, बदल गया आपने पेरिडोटाइट में, और कूल किया तो हमने बदल गया ये बसाल्ट में. ये समझ में आ गया क्या चीज है. इस पूरे रिएक्शन को ही, यही जो हमारा कन्वर्जन चल रहा है, इस पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बोवेंस रिएक्शन. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने ये बेसिकली जो रिएक्शन लिखी है इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं. मान लेते हैं कलर चेंज कर लें क्या, चलिए ये कलर को चेंज कर लेते हैं. लेट अस टेक ग्रीन ले लिया जाए, चलिए ग्रीन ले लेते हैं. अब देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ का इंटीरियर है, दिस इज अर्थ का सरफेस हो गया, और इस सरफेस के नीचे ये पूरा का पूरा इंटीरियर है. इस इंटीरियर में नीचे से जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे डेप्थ जो है वो बढ़ती जाएगी. समझ में आ रहा है कि नहीं. अब देखिए डेप्थ जो है वो नीचे की ओर में बढ़ती जाएगी. सबसे नीचे कौन सा मटेरियल पाया जाएगा, जो सबसे ज्यादा डेंस होगा, सबसे भारी होगा. अरे अंदर की ओर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पुराना पढ़े हैं कि नहीं, रिविजन नहीं हो रहा है. तो यहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी, हाइएस्ट डेंसिटी, और ऊपर में डेंसिटी कम होती जाएगी.
तो इधर जो है वो लेस डेंस पाया जाएगा। इन सब में सबसे ज्यादा लेस डेंस कौन सा है? अभी मैंने बताया, देखिए हाईली डेंस ये वाला है, कौन सा नाम है? पेरिडोटाइट। यानी यहां पर जो पाया जाएगा उसका नाम रहेगा पेरिडोटाइट। इसके पेरिडोटाइट के ऊपर कौन सा पाया जाएगा? बसाल्ट पाया जाएगा, लिखा हुआ है। इसके ऊपर पाया जाएगा एंडेसाइट पाया जाएगा, और इसके ऊपर में पाया जाएगा ग्रेनाइट। इनफैक्ट क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ग्रेनाइट है ये सरफेस का मटेरियल है? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? सरफेस का मटेरियल है। अब देखिए, अब यहां जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर से कलर को जरा चेंज करते हैं, एंड लेट अस टेक अगेन रेड। पेरिडोटाइट को अगर हम कूल किए, यानी सरफेस के ऊपर गए, यानी जैसे ही नीचे से कोई मटेरियल बाहर ऊपर की ओर अगर चलना शुरू करेगा तो पेरिडोटाइट कन्वर्ट होगा किसमें? बसाल्ट में। बसाल्ट कन्वर्ट होगा किसमें? एंडेसाइट में। एंडेसाइट कन्वर्ट होगा किसमें? ग्रेनाइट में। अगर ये ग्रेनाइट सरफेस के नीचे है तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बसाल्ट कन्वर्ट होगा अपने पेरिडोटाइट में, एंडेसाइट कन्वर्ट होगा बसाल्ट में, ग्रेनाइट कन्वर्ट होगा एंडेसाइट में। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया ये? तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो रिएक्शन यहां लिखी है, इसी रिएक्शन का बेसिकली हम लोग यहां पर यूज देख लिए हैं। अब जरा यहां पर देखिए फोटोग्राफ में, दिस इज बेसिकली बोवेंस रिएक्शन। देख सकते हैं यहां पर इग्नियस रॉक लिखी हुई है, और यहां पर लिखा हुआ है अल्ट्रामैफिक, फिर बसाल्टिक, फिर एंडेसाइट, फिर उसके बाद से ग्रेनाइट। तो सबसे नीचे ये ग्रेनाइट मटेरियल है, जो रायोलाइट या फिर ग्रेनाइट, ये दो, दिस इज बेसिकली कैटेगरी। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो मटेरियल लिखा हुआ है, कौन सा मटेरियल एक्चुअल में होता है, एंडेसाइट, एंडेसाइट होती है या फिर डायोराइट होती है। नाम याद रखिएगा, ये सब एक आध बार एग्जाम में पूछा गया है। बसाल्टिक बसाल्ट का भी होता है, गैब्रो भी हो जाती है। सिमिलरली अल्ट्रामैफिक जो होती है वो कोमेटाइट या फिर पेरिडोटाइट, दो हो सकती है। तो हम लोगों ने यहां पर बेसिकली अपना इस तरीके से सिस्टम लिखा हुआ है। टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब ये हाईएस्ट टेम्परेचर पे है, और जैसे जैसे कूल करते जाएंगे वैसे वैसे ये सिस्टम में बदलता जा रहा है। ये तो समझ में आ गया, अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कूल करने पर, हीट करने पर ये सारी सिस्टम। अब देखिए यहां पर यही सिस्टम लिखा हुआ है। ओलिवाइन बेसिकली मटेरियल होता है जो पेरिडोटाइट मटेरियल होता है, दिस इज बेसिकली पेरिडोटाइट मटेरियल। इसको हमने जब कूल किया, देखिए ये बदल गया पाइरोक्सीन में, पाइरोक्सीन जो होता है वो बसाल्टिक होता है। सिमिलरली जब इसको हमने कूल किया तो एम्फीबोल में बदल गया, एम्फीबोल एंडेसाइट मटेरियल होता है। सिमिलरली जब हमने इसको कूल किया तो ये बदल गया बायोटाइट माइका में, जो कि ग्रेनाइट मटेरियल होता है। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है। बाकी डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन और कंटिन्यूअस रिएक्शन क्या होती है ये छोड़ दीजिए, ये आपके सीरीज या आपके मतलब काम का नहीं है, ये ज्योग्राफी में नहीं आता, ये केमिस्ट्री में चली जाती है, तो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का जितना था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है? एक मिनट, एक काम करते हैं, आइए पहले टेबल ही देख लेते हैं क्या कुछ है, फिर उसके बाद से काम की बात करेंगे। देखिए पूरा का पूरा टेबल है जहां पे पहले मटेरियल बताया गया और उसकी कुछ कह लीजिए कि जो होता है प्रॉपर्टीज बताई गई है। जैसे सबसे पहले ग्रेनाइट बताया गया है, ग्रेनाइट इसमें देखिए सिलिका का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट सिलिका कंटेंट होती है ग्रेनाइट में। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो भी मटेरियल रॉक का मटेरियल होता है उसमें आपको सिलिका, सिलिका मतलब क्या होता है? सिलिका मतलब होता है बालू। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बालू में व्हाइट व्हाइट कलर का पार्टिकल जो होता है वो चमकता रहता है, दैट इज एक्चुअली सिलिका। और इनफैक्ट सिलिका में ये जरा ध्यान रखिएगा, ये सिलिका में कह लीजिए कि विस्फोटक होता है, मतलब ये डेंजरस होता है। इसको यूज किया जाता है जब भी कोई भी आरडीएक्स या कुछ भी एक्सप्लोजिव्स बनाया जाता है तो उसमें यूज किया जाता है। ओके, ये तो हो गई कहानी की बात। इसमें हो गया सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो आयरन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। एंडेसाइट में सिलिका का कंटेंट रिलेटिवली कम होता है लेकिन बाकियों से ज्यादा होता है, यहां पर आयरन ठीक ठाक मात्रा में हो जाएगा। बसाल्ट में सिलिका कंटेंट कम होता है और आयरन कंटेंट ज्यादा होता है। सिमिलरली पेरिडोटाइट में सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा कम होता है और आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इतना क्लियर हो गया यहां पर क्या चीज है? तो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने देख लिया, सिलिका का कंटेंट देख लिया। अब जरा आते हैं डेंसिटी पे। ग्रेनाइट जो होती है सबसे हल्की होती है क्योंकि ये सरफेस पे पाई जा रही होती है। एंडेसाइट रिलेटिवली इससे डेंस होगा क्योंकि अंदर है, उससे अंदर है बसाल्ट इसलिए और डेंस होगा, और सबसे ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी किसकी? पेरिडोटाइट की, क्योंकि ये इंटीरियर में या फिर कह सकते हैं मेंटल में पाया जाता है, दिस इज बेसिकली मेंटल में, ठीक है।
पेरिडोटाइट का एग्जांपल पता ही है आप लोगों को कि ओलिवाइन होता है, ओलिवाइन मटेरियल जो होते हैं वो पेरिडोटाइट होते हैं। बसाल्ट के मटेरियल में देखिए कौन सा बसाल्ट का मटेरियल हुआ करता था, बसाल्ट का मटेरियल होता है गैब्रो, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज गैब्रो, ठीक है। एंडेसाइट का मटेरियल इसी तरीके से देख सकते हैं, और हमारा ग्रेनाइट का मटेरियल भी हम लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोग को पीछे दिखा दिया है, आप लोग उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग विस्कोसिटी, देखिए जो सिलिका का मटेरियल होता है सबसे ज्यादा विस्कस होता है। विस्कस का मतलब क्या होता है, विस्कस का मतलब होता है कितना ज्यादा जेली रूप में है, जेली बेली खाए होंगे बचपन में, जो जेली फॉर्मेट में होता है, दिस इज बेसिकली सेमी सेमी सॉलिड बोल सकते हैं आप इसको, प्लास्टिक फॉर्मेट में होता है। नीचे आएंगे तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा कम विस्कस होता है, और यहां पर कम विस्कस और बहुत ज्यादा ही कम विस्कस, यानी ये लिक्विड फॉर्मेट में होगा, ये वाला लेस लिक्विड होगा, और यहां पर तो खैर हल्का फुल्का ही लिक्विडिटी होगी, सो होगी, अदरवाइज लिक्विडिटी एज सच नहीं होगी। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो ग्रेनाइट जो होता है वो सिलिका का बना होता है, और सिलिका जो होती है वो एसिडिक होती है। जैसे जैसे सिलिका कम होते जाएगा उसकी एसिडिटी खत्म होती जाएगी और बेसिक होते जा रहा होगा। अम्ल और क्षार, समझे है ना, तो एसिड और बेस, इस तरीके से सिस्टम बन जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट चीज आता है स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। स्ट्रक्चर देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा देता हूं, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। जरा इसको पहले इरेज करते हैं ताकि स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि ग्रेनाइट है, ये मान लेते हैं हमारा वोल्केनो है, ठीक है, ये हमारा वोल्केनो है, यहां से वोल्केनिक इरप्शन हुआ। अब देखिए वोल्केनिक इरप्शन जब होगा सीधी सी बात है मटेरियल हवा में जाएगा और इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसकी विस्कोसिटी होगी तो अब ये तैर करके नीचे गिरेगा, मतलब ये फ्लो करेगा, लेकिन अगर विस्कोसिटी नहीं है तो क्या यहीं पर ये पूरा का पूरा जम जाएगा? जैसे ही ये पूरा जम जाएगा तो बेसिकली आपको क्या दिखेगा, ये दिस इज इट विल लुक लाइक अ माउंटेन, और वो भी बहुत ही ज्यादा शार्प हाइट लिया होगा, शार्प हाइट लिया होगा, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी है ही नहीं, ये मूव कर ही नहीं रहा है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को माउंटेन को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट वोल्केनो। क्लियर हुआ कुछ क्या है हमारा ये कंपोजिट वोल्केनो? तो जहां पर विस्कोसिटी नहीं होती और वहीं पर पूरा का पूरा जम जाता है एक ही जगह पर, उसको हम लोग बोल देते हैं हमारा कंपोजिट वोल्केनो। लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़ी सी इसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी हल्की सी आ जाए तो क्या होगा, जो टॉप पे इस तरह से कोन बन रहा है अब वो धीरे से फ्लो कर जाएगा नीचे की ओर में, और ऊपर का सरफेस बेसिकली फ्लैट कर देगा। तो कुछ इस तरीके का हमें फ्लैट सरफेस देखने को मिल जा रहा होगा, तो इट विल लुक लाइक दिस। इसको हम लोग कई बार कोन शेप या फिर कई बार डूम शेप भी बोल देते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके का वोल्केनो हो जा रहा होता है। तीसरा होता है बसाल्ट। बसाल्ट में और ज्यादा फ्लो हो जाएगा, मतलब जो हमारा कोनिकल शेप अगर आ भी रहा था तो प्योरली डूम हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके का मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डूम शेप्ड वोल्केनो या डूम शेप्ड माउंटेन, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसकी मान लेते हैं कि डेंसिटी बहुत ही कम हो गई, या फिर सॉरी विस्कोसिटी बहुत ही कम हो गई, अब क्या होगा, पूरा का पूरा ये फ्लो करके एक शीट के फॉर्मेट में बदल जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी आ गई है, हाइट अचीव नहीं कर पाएगा, सारा का सारा बह जाएगा, और जब बह जाएगा तो उसको हम बोलते हैं शीट वोल्केनो, या फिर पूरी की पूरी शीट फॉर्मेट में, लावा फॉर्मेट में आ गई है। आप कहेंगे आपकि इससे होता क्या है, एक्चुअल में इससे बनती है प्लेटू, जो हमारी ब्लैक सॉइल है ना, महाराष्ट्र वाली हो गई या फिर अंडमान निकोबार के पास में हो गया, जितने भी हमारे पास प्लेटूज जितने भी बनते हैं वोल्केनो के कारण से, वो सारा का सारा शीट वोल्केनो के कारण से ही बन रहे होते हैं। तो आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी बेसिकली कि मटेरियल क्या है, कैसे है, क्या चीज है। नाउ अब हम लोग जरा एक चीज देखेंगे, और चीज ये देखेंगे, इस कॉन्ट्रेंट को यहां जरा भूल जाइए और यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये हमारी पूरी की पूरी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ। दो कंडीशन हम लोग लेकर के चलेंगे, केस नंबर वन पे बात करते हैं, दिस इज आवर केस वन, और इधर हमारा केस टू होगा, अभी हम लोग देखेंगे केस टू क्या है, पहले केस वन पे देखते हैं। कलर को जरा चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है हमारे पास। देखिए कलर को चेंज करके ग्रीन ले लेते हैं। ओके, हमारे पास जो मटेरियल है यहां पर वो है पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट है, ठीक है। इसके ऊपर में हमारा बसाल्ट है, बसाल्ट के ऊपर में हमारा एंडेसाइट है, और एंडेसाइट के ऊपर में ग्रेनाइट है, जो कि सरफेस के नीचे है, यहां पर दिख रहा है ना, सरफेस ऊपर है, सरफेस के नीचे है। दूसरा हमारा केस टू है, यहां पर हमारी अगेन पेरिडोटाइट है, पेरिडोटाइट के ऊपर बसाल्ट हमारी कुछ यहां पर है,
इस बसाल्ट के ऊपर एंडेसाइट हमारी यहां कहीं है और हमारी ग्रेनाइट इस बार सरफेस पे है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, ग्रेनाइट क्या यहां से सरफेस पे ये जा सकती है क्या? नहीं, सरफेस पे नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि अब ये कूल नहीं हो पाएगा। अगर ये कूल होता है तो इससे ऊपर का मटेरियल इसके पास अवेलेबल नहीं है कि ये अब कूल होकर के किसी दूसरे फॉर्मेट में जा सके, यानी कि ये सरफेस को एक्सपोज नहीं हो पाएगा। इस तरीके के हम लोग मटेरियल को बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, जहां पर बेसिकली जो ग्रेनाइट है वो अंदर की ओर में ट्रैप हो गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। जहां पर सरफेस को एक्सपोज हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। हालांकि इसके बारे में हम लोग वोल्केनो का चैप्टर जब हम लोग कल की क्लास में करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, आपको और समझ में आएगा एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव का मतलब। फिलहाल के लिए जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं यहां पर बता दे रहा हूं, इंट्रूसिव का मतलब होता है जो सरफेस के नीचे होता है और सरफेस के जो ऊपर होता है उसको हम लोग ग्रेनाइट बोल दे रहे होते हैं। क्लियर हो गया? अब सरफेस के अगर नीचे है, इसको कूल करेंगे एंडेसाइट में बदलेगा, एंडेसाइट को कूल करेंगे बसाल्ट में जाएगा, बसाल्ट को कूल करेंगे तो मतलब हीट करेंगे तो पेरिडोटाइट में बदल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट इफ ग्रेनाइट वाले को हीट करेंगे तो क्या ये सरफेस के नीचे जाएगा? नहीं, सरफेस के नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बाहर की ओर में एक्सपोज्ड है, अंदर की ओर अब ये नहीं जा सकता है। अगर अंदर की ओर वाला मटेरियल रहेगा तभी केवल जा सकेगा। मतलब यहां पर ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट कैन गेट हीट एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट इन अदर फॉर्मेट, बट व्हाट इफ इट गेट्स एक्सपोज्ड टू द सरफेस, देन व्हाट? अब ये नीचे नहीं जा सकता है, इट डज नॉट हैव एनी ऑप्शन टू गो बीनीथ द अर्थ इंटीरियर अगेन। अगर ये अर्थ के नीचे अगर इसको जाना है तो इसको, इस मटेरियल को क्या होना पड़ेगा? इस मटेरियल को होना पड़ेगा एंडेसाइट। एंडेसाइट अगर रहेगा तब केवल ये नीचे जा सकता है, अदरवाइज ये नीचे नहीं जा सकता है। ये क्लैरिटी आ गई बिकॉज ऑफ द अर्लियर डिस्कशन, हम लोगों ने देख ही लिया था, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंसिएशन का फंडा इनको अप्लाई करना होगा। डेंसिटी डिफरेंसिएशन के हिसाब से ग्रेनाइट सरफेस को अगर आ चुका है तो नीचे नहीं जा सकता है, इट हैज टू कन्वर्ट इटसेल्फ, और कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? इसी सारे कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे अभी थोड़े देर में और आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या चीज है। चलिए खैर, इसको जरा इरेज करते हैं, ये चीज समझ गया है ना, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग जरा आते हैं वापस से कॉन्ट्रेंट कॉन्ट्रेंट इंटरैक्शन पे, ताकि आपको समझ में आए चीजें। कॉन्ट्रेंट कॉन्ट्रेंट इंटरैक्शन में हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा दोनों सरफेस है, ये हमारा कॉन्ट्रेंट है, ये भी हमारा कॉन्ट्रेंट है। क्या ये ग्रेनाइट का बना होगा? बिल्कुल। और ये भी हमारा ग्रेनाइट का बना होगा। दोनों एक दूसरे को कोलाइड किए हुए थे और कोलाइड करने के कारण से अल्टीमेटली ये दोनों सरफेस इंटरैक्ट इस तरह से आपस में आकर के टकराए, और टकराने के बाद दोनों में इस तरीके की फोल्ड माउंटेन्स बन गई थी। बन गई थी कि नहीं बन गई थी? ये हमारा फोल्ड माउंटेन डेवलप हो गया था, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर बोला था कि दिस इज बेसिकली हिमालय, और वहां पर हम लोगों ने बोला था कि हिमालय के लिए हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो थोड़ा सा और डिटेलिंग देख लेंगे कि क्या कुछ है, लेकिन फिलहाल ये चीज समझ गए थे कि इस तरह से सिस्टम होगा। लेकिन यहां एक क्वेश्चन होता है, क्या कोई एक दूसरे के नीचे जाएगा? बताइए। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है, वन सेकेंड, ये बार बार दब जा रहा है। यस, क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते हैं ये हमारा कॉन्ट्रेंट कॉन्ट्रेंट था, दिस इज कॉन्ट्रेंट, दिस इज कॉन्ट्रेंट। हमने इसको एक्स्ट्रा वेट दिया। कैसे दिया? कोई मतलब नहीं है उससे। हमने इसको एक्स्ट्रा वेट दिया। एक्स्ट्रा वेट दिया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका मास m है तो इसका मास डबल हो गया, 2m दिया हमने मास, एक्स्ट्रा मास दिया है, 2m हो गया। डज दिस हैव एनी पॉसिबिलिटी टू गो बीनीथ दिस सरफेस? क्या इसके नीचे जा सकता है? बताइए, किस चीज का मटेरियल है? ग्रेनाइट का मटेरियल है। क्या ग्रेनाइट अगर सरफेस को एक्सपोज हो रखा है, क्या ये नीचे जा सकता है क्या? नहीं, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये नीचे जा सके, क्योंकि हम लोगों ने अभी बोवेंस रिएक्शन ही देखा था और वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी सरफेस ग्रेनाइट का बना होगा वो नीचे अपने अर्थ के बीनीथ नहीं जा सकता है। लेकिन व्हाट इफ द मटेरियल इज मेड अप ऑफ सम अदर मटेरियल अदर देन ग्रेनाइट? अगर एंडेसाइट का बना है क्या नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। बसाल्ट का बना है तो नीचे आ सकता है?
बिल्कुल जा सकता है। क्या पेरिडोटाइट का बना है तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा आते हैं अपने ओशन ओशन कॉन्टिनेंट में। ओशन ओशन इंटरेक्शन में जिस तरीके से हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट था, सेम वैसे ही क्या ओशन ओशन आ गया है। दिस इज ओशियन, दिस इज ऑल्सो ओशियन। बसाल्ट का बना हुआ है, ये भी बसाल्ट का बना हुआ है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इंटरैक्ट करने के दौरान में एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के पास में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब अगेन दोनों एक दूसरे के साथ में जब टकराएंगे तो कुछ इस तरीके का माउंटेन बनेगा। लेकिन चूंकि ये ओशियन है, ओशियन प्लेट है, तो हम लोग इसको माउंटेन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं रिजेस। देखा था हम लोगों ने, तो ये बेसिकली रिजेस बन जाएगी। एंड इफ दिस रिज एक्सपोज्ड टू द वॉटर, अगर वॉटर के ऊपर निकल के आ जाएगी तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये एक आईलैंड बन गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को अभी भी कोलाइड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर मान लेते हैं कि दिस सरफेस हैज मोर मास, मोर वेट देन दिस प्लेट। अब क्या होगा, मटेरियल कौन सा है, बसाल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी क्या है, बसाल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हैवी है, क्या ये नीचे जा सकता है इसके? ज्यादा वेट है, बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बसाल्ट का बना है, इट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पेरिडोटाइट एंड यस इट कैन गो बीनीथ द सरफेस ऑफ अदर ओशियन प्लेट। अब समझ में आया कि आखिर में ये ओशन ओशन इंटरैक्शन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट इंटरैक्शन से अलग क्यों है। सरफेशियली जब आप देखेंगे तो ओशन ओशियन इज सेम एज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, बट अगर इसकी डिटेल में देखेंगे और इसके बोवेन रिएक्शन के हिसाब से देखेंगे, देन ओशन ओशन इंटरैक्शन हैज सम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स देन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट इंटरैक्शन। ये क्लैरिटी आ गई क्या चीज है। अब देखिए क्यों नीचे गया, आप तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब होगा क्या, यहां पर तो हमारा रिज बना ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा रिज बना हुआ है, यहां पर भी इस तरीके से रिजेस वगैरह बने हुए हैं, और देन ये नीचे चला गया, यानी यहां पर एक ट्रेंच पाया जाएगा। दिस इज बेसिकली अ ट्रेंच, सारा का सारा वाटर के अंदर ही है, वी आर लुकिंग इन साइड द वॉटर, सारा का सारा वाटर के नीचे ही चल रहा है। थोड़ा पानी बना लेते हैं ताकि आपको एक फील आ जाए, ये हमारी पानी है, ये देखिए ये पूरा पूरा वाटर से भरा हुआ है, ये यह हमारा यहां पर भी पानी है, और इनफैक्ट यहां पर जो ओशियन बन भी सकता था वो ओशियन आ गया है। दिस इज बेसिकली पूरा का पूरा ओशियन का फॉर्मेट, ठीक है। अब इस ओशियन के अंडर में ही ये हमारी सरफेस लैंडफॉर्म जो होती है वो बनी हुई है। दिस इज बेसिकली लैंडफॉर्म जिसको हम लोग रिज वगैरह बोल रहे हैं, ये हमारा इस तरीके से बना हुआ है, क्लियर है। तो आपको एक फील भी आ रही होगी बेसिकली, क्या चीज है, अब ये फील क्यों नहीं हो रहा है, हो गया फील, ओके। दिस इज बेसिकली सरफेस, और ये इस तरीके से फोटो आ गई, ठीक है। ये हमारा मटेरियल है जो कि बसाल्टिक मटेरियल है, जो कि बोल सकते हैं गैब्रो वगैरह से भी मिलकर बना हो सकता है। ये हमारा पूरा का पूरा देखिए फोटो बन गया, थोड़ा साफ नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना, काम खत्म हो गया अपना। अब देखिए होगा क्या, यहां से ये सरफेस जैसे ही मेंटल के पास पहुंचेगा, मेंटल के पास यहां पर है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तोड़ देगा इसको। ये सरफेस जो तोड़ गया है वो अब पिघल जाएगा, जब पिघल जाएगा तो सीधी सी बात है कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं और रेड कर देते हैं। ये हमारा जो मटेरियल है वो अब चेंज हो गया है, लेट अस सी क्या कलर चेंज होता है। यस देखिए हो गया, ये हमारा कलर चेंज होकर के कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल के रूप में चला जाएगा जो कि मेंटल में पड़ा हुआ होगा। मेंटल में पड़ा होने से होगा क्या, एक्स्ट्रा प्रेशर, क्या ये सरफेस थोड़ा सा वीक हो गया है, देखिए ट्रेंच पाया गया तो 100% ये सरफेस तो वीक हो ही गया होगा। वीक हो गया तो सीधी सी बात है आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा वोल्केनिक इरप्शन। तो यहां पर आ जाएगा हमारा वोल्केनिक इरप्शन। इस वोल्केनिक इरप्शन में आपको दिखेगा कैसे, इस एरिया को जरा मैं मिटा रहा हूं ताकि वोल्केनिक इरप्शन को हम लोग देख सके। यहां पर हम लोग वोल्केनिक इरप्शन करा देते हैं। अब देखिए सरफेस को थोड़ा मिटा दिया जाए। अब देखिए यहां पर होगा क्या, दोनों प्लेट हमारी आ जाएंगे और हम लोग जरा देखते हैं सरफेस व्यू इसका। ये हमारा है टॉप व्यू, ये हमारा टॉप व्यू, इसके भी सरफेस के ऊपर पानी है, इसके भी सरफेस के ऊपर पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 3D व्यू देखेंगे तो आपको इस तरीके से यहां पर माउंटेन देखने को मिलेगी, ये भी हमारा माउंटेन है बेसिकली, ठीक है। हाइट लिया हुआ है, दिख रहा है ना सबको हाइट है, हाँ ठीक है। चलिए
यहां पर भी हाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। यहां पर ट्रेंच बना हुआ है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए इस तरीके से हमारी ट्रेंच बनी हुई है, ठीक है, ट्रेंच बनी हुई है। यहां पर हमारा ये सरफेस हो गया एंड दिस इज द स्लोप, ये स्लोप है। ओके, अब होगा क्या, इसी के नीचे यहां पर वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, वोल्केनिक इरप्शन इधर भी हो रही होगी, वोल्केनिक इरप्शन इधर भी हो रही होगी, तो सरफेस को ये तोड़ सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहां पर भी वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, हो जाएगी बिल्कुल, यहां पर भी हो रही है, हो जाएगी। अब यहां पर होगा क्या, वोल्केनिक इरप्शन के बाद मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। यहां पर मान लेते हैं कि मटेरियल इकट्ठा हुआ, चूंकि 3D है, यहां पर भी होगा कि नहीं होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, हर जगह होगा। मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, मटेरियल इकट्ठा होने के बाद क्या ये एक अलाइंड होंगे, होंगे कि नहीं अलाइंड होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, एक साथ एक जगह पे हो रहा है तो एक साथ अलाइंड होंगे, ये तो अलाइनमेंट है। लेकिन क्या लगातार ये पुशिंग चल रही है अभी भी? अगर ये पुशिंग चल रही है और यहां पर भी हमारा इस तरीके से मटेरियल मतलब आइलैंड बना हुआ है, थोड़ा सा यहां पर भी आइलैंड बना लेते हैं, कलर अपना ले लेते हैं और अपना आइलैंड बना लेते हैं, दिस इज बेसिकली आइलैंड, दिस इज बेसिकली आइलैंड, दिस इज बेसिकली आइलैंड, अगेन जो होता है ये भी एक अलाइनमेंट में है, दिस इज ऑल्सो अलाइंड। ये मूवमेंट आगे की ओर रही है, ये मूवमेंट इधर की ओर हो रही है, यानी कि ये जो आइलैंड का पूरा ग्रुप है क्या कुछ पल बाद आगे बढ़ जाएगा और ये भी कुछ पल बाद आगे बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, जितना भी आपको ये आइलैंड दिख रहा है ये मूव करके यहां पे पहुंच चुका है, ये मूव करके यहां पहुंच चुका है, ये मूव करके यहां पहुंच चुका है, ये मूव करके यहां पहुंच चुका है, इधर वाले आइलैंड ये भी मूव करके यहां पहुंच चुके हैं, यहां पहुंच चुके हैं, यहां पहुंच चुके हैं और यहां पहुंच चुके हैं। हुआ क्यों ऐसा, इसलिए हुआ क्योंकि ये प्लेट मूव कर रही है, तो सरफेस मूव करके इधर आ गया, ये सरफेस मूव करके इधर आ गया, इधर के एरिया में क्या हो गया, खाली हो गया। चलिए ठीक है, खाली करा देते हैं जरा, ये सरफेस खाली हो गया हमारा, ये सरफेस भी हमारा खाली हो गया, कर दिया खाली, और हमारा पूरा का पूरा इकट्ठा हो गया बीच में। लेकिन क्या वोल्केनिक इरप्शन बंद हो गई है क्या, अभी भी वोल्केनो है, नया आइलैंड बनेगा इसी इलाके में, वापस से नए आइलैंड बनेंगे, 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 यानी कि आपको दिखेगा कैसा, अब आपको ऐसा लगेगा कि सरफेस के, ये मान लेते हैं ओशियन है, ओशियन कलर जरा चेंज करते हैं, तो ओशियन का कलर ले लेते हैं अपना ब्लू ब्लू, आपको ये पूरा का पूरा इलाका ओशियन दिखेगा और ओशियन के ही बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा आइलैंड ग्रुप आ रखा है, जैसे एग्जाम्पल मार्शल आइलैंड, हवाई आइलैंड, जापान इनफैक्ट, तो जितना भी आपको बीच बीच में दिख रहा होगा इस तरीके से यह हमारा आइलैंड का एक ग्रुप आपको देखने को मिल जा रहा होगा। तो बेसिकली बहुत बढ़िया मैंने फोटो बनाया हुआ है और आई एम ए वेरी गुड आर्टिस्ट। चलिए खैर जोक्स अपार्ट, यह हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जहां पर ओशियन के बीचों बीच में आपको नंबर ऑफ आइलैंड्स इस तरीके से देखने को मिल रहे होंगे। इन पूरे सिस्टम को जो यहां पर सिस्टम बनी हुई है, कैसे बनी है ये आपको समझ में आ चुका है, अब आगे देखते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मिड ओशियनिक रिजेस। रिज क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया, मिड ओशियन में है इसलिए उसको बोला था मिड ओशियनिक रिजेस। और ये बनता क्यों है, और ये बनता केवल और केवल इंडिया ओशियन ओशियन इंटरैक्शन के कारण से, सरफेस के नीचे चला गया इसलिए सिस्टम आ गया, और यही है यूनिक फीचर ऑफ ओशियन ओशियन इंटरैक्शन। बात करें यहां पर क्या क्या चीजें बन रही हैं, रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, मिड ओशियनिक रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, आइलैंड्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, इंटरैक्शन हुआ अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा ट्रेंच बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, कोई डाउट नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया। अब जरा देख लेते हैं इसके थ्योरी के बारे में ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो व्हेन टू ओशियनिक प्लेट मीट एंड कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, डेंसर ऑफ द टू प्लेट इज पुल्ड अंडर द अदर एंड इज सब्जेक्टेड, इट डिसेंड्स इनटू द एस्थेनोस्फीयर लीडिंग टू द जनरेशन ऑफ न्यू मैग्मा एंड रिजल्टिंग बॉडी ऑफ मेनी वोल्केनोस एंड वोल्केनिक रॉक इज कॉल्ड एज आइलैंड वोल्केनिक आर्क। तो इस तरीके से आइलैंड वोल्केनिक आर्क बोलिए या फिर आप इसको मिड ओशियनिक रिजेस बोलिए, बात एक ही है, कोई भी अलग बात नहीं है। एग्जाम्पल कैसे, जैसे जापान, अभी हम लोगों ने बात किया, फिलीपींस हो गया, टोंगा आइलैंड हो गया, एल्यूशियन आइलैंड हो गया, या फिर वेस्ट इंडीज आइलैंड हो गया, क्लियर हो गया पूरा सिस्टम क्या है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, डिटेल में काफी हम लोगों ने देखा और हम लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हमारा आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द मेजर लैंडफॉर्म जितने भी हमारे सरफेस पे बने हुए हैं, चाहे वो हमारा माउंटेन हो,
चाहे हमारा रॉक हो, चाहे हमारा प्लेटू हो, चाहे प्लेन हो, चाहे कुछ भी हो, सारा का सारा इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। इस वजह से प्लेट टेक्टोनिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यू मिनरल्स आर थ्रोन अप फ्रॉम द कोर विद द मैग्मेटिक इरप्शन। वोल्केनो हुआ, वोल्केनो के कारण से जो मटेरियल है जो बीनीथ द अर्थ सरफेस है निकल करके बाहर आ जाएंगे और इस तरीके से नए मिनरल हमें बाहर की ओर देखने को मिल रहे होते हैं। और जितने मिनरल निकल के आते हैं दे आर इकोनॉमिकली हाई वैल्यू, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, कॉपर हो गया, यूरेनियम हो गया, आयरन हो गया, सिलिका हो गया, बहुत सारे मटेरियल हमें देखने को मिल रहे होते हैं, हमें सरफेस पे बेसिकली यही लेकर के हमें आ रहा होता है। क्लियर। फ्रॉम प्रेजेंट नॉलेज ऑफ क्रिस्टल प्लेट मूवमेंट द शेप ऑफ लैंडमास इन फ्यूचर कैन बी प्रिडिक्टेड। हम लोग आगे फ्यूचर में क्या चीज होगा, कैसे होगा, हिमालय बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, हम लोग इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैज इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर ज्योग्राफी। फॉर इंस्टांस इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूस, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, जो बीच में पनामा कैनाल है वो पनामा खत्म हो जाएगी, हट जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और एक नया पीस ऑफ आइलैंड बनेगा अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में आप लोगों को पता होगा कि यहां पर हमें अगर मान लेते हैं इस तरीके से हमारी अफ्रीका है, तो ये हमारी अफ्रीका है, तो यहां पर देखिए आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलेगा। ये रिफ्ट वैली बेसिकली होगा क्या कि यहां से ये बेसिकली इस तरह से रिफ्ट जो बनी है, ये जो लैंडमास है ये अलग हो जाएगा और बाकी का लैंडमास अलग हो जाएगा, टूट करके अलग अलग चला जा रहा होगा। दिस लैंडमास विल बी सेपरेटेड जस्ट लाइक मेडागास्कर, मेडागास्कर की तरह ये भी अलग हो जाएगा। फॉर इंस्टांस इफ द प्रेजेंट दिस थिंग हैपन हो जाएगा एंड इट विल अल्टीमेटली मूव क्लोजर टू हमारा ऑस्ट्रेलिया जो है वो मूव करके ऊपर चला जाएगा। ये पूरा चीज हालांकि बताया गया था किसके द्वारा, वैगनर के द्वारा, फ्यूचर प्रेडिक्शन के तौर पे कि मूवमेंट इसी तरीके से होगी, बट वैगनर ने इसका ड्राइविंग फोर्स नहीं बताया था। क्लियर हो गया। तो ये थी पूरी की पूरी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, इतना तो आपको किताबों में नहीं मिलेगा जितना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और आपको आईएएस में भी इससे बाहर क्वेश्चन अगर पूछ दे तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। चलिए खैर, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी आज की डिस्कशन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई आपको डाउट रहे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उसको ज्वाइन करके अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। पास्ट ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरली फॉलो करिए, क्वेश्चन जो उसमें पूछूं मैं वो भी बताइए और उसमें पार्टिसिपेट करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैं नए नए क्वेश्चन भी बता रहा हूँ विच कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इनफैक्ट प्रीलिम्स में जाकर के आप फिर अपने आप को सोच रहे होंगे यार ये चीज तो बताया गया था, काश मैं पढ़ लिया होता, तो खैर उसको पढ़ लीजिए अभी। पर अगर कोई डाउट होता है तो अगेन टेलीग्राम चैनल में आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।